नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैंने बहुत दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी, उसके लिए पता नहीं कुछ रीज़न था एक, जो मैं बोल देता हूँ कि मेरा मन नहीं था बनाने के लिए। मैं डिसअपॉइंटेड हो चुका था क्योंकि जिस तरह से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था वो मैं अब्जॉर्ब नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली आज मैं फिर दोबारा कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कह रहे थे बनाओ और डालो यूट्यूब पे। आज मीनू की तबीयत ख़राब है, सर्वाइकल का पेन है। अभी पहले उसको इमीडिएट डॉक्टर के लेके जाना है और बहुत बुरी हालत है, और उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत होली का सामान लेंगे। ये बैठा है तैयार होने के लिए, अच्छा बहुत, और सामान लेके फिर वापसी आएंगे। फिर शाम को होली दहन का सोसाइटी में है, थोड़ा सा छोटा सा प्रोग्राम वो करना है, उसके बाद फिर हम व्लॉग की एंडिंग कर देंगे। दैट्स इट, ओके बाय, मिलते हैं बाद में। तो गाइस अभी हम डॉक्टर के पास आए, मम्मी वहाँ फिजियोथेरेपी करा रही है और हम थम्स अप पी रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, अंदर बहुत स्मेल है। हम बाहर आए हैं थोड़ा सा माधव के लिए शॉपिंग करनी है, अभी करनी है ना माधव? अरे ये भी तो है, ये दो डाल दो, ये दो भी, ये भी दो डाल दो जी। कैप्सूल पता नहीं क्या करेंगे आज। वो गन क्यों लिए? ग्रीस वाले भैया के लिए। वो गन ठीक है मैम, देखना एक बारी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ये तो नहीं है ना? क्या लिया? होली स्टैश, घर जाके बताऊंगा। पक्का? पक्का पक्का। पसीना क्यों आ गया? हो गया जी, थैंक यू। बलून्स ले लो। ले ले भाई बलून। और कौन कौन सा मांग रहा था भैया? ग्रीस है ना? ये पूरा मिलेगा? पूरा पैकेट होता भैया, एक ही मिले, एक दो ले सकते हैं? दो दे दो आप ये भी ना। ये ले, अनलॉक करके लॉक कर दी। माधव गाड़ी में सामान रखने जा रहा है। सबसे बोरिंग सीन। क्यों? मैं अच्छा तू कंफ्यूज क्यों हुआ पहले ये बता। गाड़ी भी सेम थी, फिर मैंने टायर देखे ना, वो जो एक उधर वाली गाड़ी हमारी, दूसरे वाली गाड़ी किसी और की है ना, उसका टायर देख के सोच गए। हाँ, और उसमें लाइट चल रही थी बैक वाली, तो माधव कंफ्यूज हो गया। ये हमारा पुत्र है। यस, माधव बड़े अच्छी तरह फॉलो करता है चीजें, सारा कूड़ा ही डस्टबिन में डालता, बाहर नहीं डालता। क्या हुआ? अरे बाप रे, रुको 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 रुको, मम्मी के दो सींग निकाल दिए गर्दन पे। कब थेरेपी है ना? मम्मी मेरी है। मैं वॉक करने के लिए बोला हुआ, चार पांच राउंड बोला। पेन है? पेन पेन तो है, बहुत पेन है। ज्यादा पेन है और क्या? चलो कोई नहीं, रिलैक्स करो। मम्मी डॉक्टर को ढूंढ दो, चलो जाओ वॉक कर लो एक बार। काफ़ी पेनफुल है ये थेरेपी, और करना बहुत ज़रूरी क्योंकि आज इससे उठा भी नहीं जा रहा था सुबह, और लेके आए हैं, देखते हैं कितने दिन का रहेगा ये, उसी के हिसाब से करेंगे। गर्मी बहुत है, बहुत गर्मी है। तो फ्रेंड्स अभी मीनू की फिजियोथेरेपी हमने करवा दी है, थोड़ा सा आराम पड़ा है, वो पीछे बैठी है। मतलब ने अपना ये सामान लिया सारा, मेरी पिचकारी देखो। गाइस ये मैंने जान के लिए इतनी छोटी। मीनू आराम पड़ा? थोड़ा आराम पड़ा है, थोड़ा पड़ा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा क्यों नहीं,
चलो जी यहाँ आके भी आराम नहीं पड़ा। नहीं पड़ा है, पहले से थोड़ा ही पड़ा है, पर हाँ भाई है कि रिलैक्स हो गए। आज हमने लंच जो है बाहर से मंगाया क्योंकि मीनू की तबीयत ठीक नहीं है, तो इस लंच में चार रोटी दी हैं इन्होंने, चावल दिए हैं, आलू की सब्जी, कढ़ी और सैलेड में थी, बीटरूट भी थे पर मैंने ले लिया, कटलरी भी दिया है, कोई बात नहीं। तो अब माधव इस खाने को खाएगा और बाद में अपने व्यूज़ देगा कैसा है, ठीक है माधव? कैसा है? हाँ बोलो। हाँ घर जैसा ही होगा। घर टेस्ट कैसा है वो तो बताएगा ना। हाँ नहीं बोलूँगा। ओके गाइस, तो अब हम होली पूजने जा रहे हैं, मेरी मम्मी किसी तरह बस रेडी हुई है। ओके गाइस, सो वी आर नाउ गोइंग। तो ये हमारी गाइस ये पार्क में लगा रखी थी होली के दिन पे, लेज का पैकेट कौन ये पार्क है सोसाइटी का। रूपी आंटी, अबे सुन तू क्या एक्सीडेंट हुआ? तो गाइस यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही है। मर्जी है तुम्हारी? नहीं, कहाँ जाना? इसलिए था। तो गाइस मम्मी अब पंचायत में बैठ चुकी है और मेरे को एक काम मिला है, सब रख के आना है, नहीं तो ये ना। मम्मी वहाँ बैठ गई, मम्मी को ये सब रखना पड़ेगा, पूरी मम्मी। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी होली दहन हो गया और हम घर पे आए हैं और थोड़ी पूजा अर्चना भी हुई है हमारी, देखते हैं वहाँ पे अभी जाके। हाय फ्रेंड्स। और ये एज यूजुअल भूखा है, अब इनके लिए खाने का इंतजाम करना है। सुबह से एक सब्जी, एक कड़ी और रोटी और चावल खा के वो जो बादाम शादाम चल रही है उनका क्या? वो दो तीन। चलो दोस्तों मिलते हैं, आज पूरा दिन थोड़ा एक्टिव रहा, करते रहे काम, शाम को होली का दहन भी देखा, अभी लंच कहाँ से आ गया, डिनर फिर वापस बाहर से मंगाया क्योंकि मीनू की तबीयत आज पूरा दिन ठीक नहीं रही, पूरा दिन परेशान थी आज वो। और बस व्लॉग एंड करते हैं, एडिट करने बैठूँगा अभी इस व्लॉग को, आज पूरे 15 दिन बाद व्लॉग दोबारा डाल रहा हूँ। चलो दोस्तों मिलते हैं बाद में।